पता लगाना पंडित जी करंट मारता है। अब वो कथा कथा में बोल जाए बेटा है और माइक को जो ऐसा हाथ लगाए कि सज्जनों राजा परिसर सुर्ज मुनि से कहने लगे कि हे राजन नैना जिद से सत्ता नहीं नैना दहता बाबा के उठ जाती एक करे से मार रहा है। लेकिन साउंड आपका बढ़िया है और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी कहता है कि गर्दन की छुरी रख दो माता की देवी बोलूंगा उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। माँ का दर्जा केवल इस माटी को मिला है विश्व में। आज तक आपने सुना चाइना अम्मी पाकिस्तान मम्मी उलुलुलु अम्मा केवल इस माटी को मिला है माँ का दर्जा। दुनिया में भारत माता को ही माता कहा गया है और किसी को माता नहीं कहा गया, किसी को पिता नहीं कहा गया, किसी को काका किसी को भूखा नहीं कहा गया है। लेकिन वो कहता किस माटी पे बड़ा हुआ जिस माटी पे खड़ा हुआ कहता गर्दन पे छुरी रख दो मैं भारत माता की चरणों में खोलूंगा। बोलनी पड़ेगी काका जी और क्यों बोलनी पड़ेगी साउंड बढ़िया है उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। माँ महात्मा और परमात्मा इन तीनों की महिमा न्यारी है पर इन तीनों पर माँ सब पे न्यारी है। बिना माँ के महात्मा नहीं होता बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। लेकिन माँ अपने आप में परिपूर्ण का अक्षर है और कहता कि गर्दन पे छुरी रख दो ए छोटे दादे क्या होती है माँ। एक से पूछा माँ क्या होती है तो मैंने कहा माँ भाई होती है। छोटू माँ माँ ममता है पिता प्यार है माँ बाप के चरणों में है जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त जिस माँ ने तुझे बड़ा किया पैरों पर अपने खड़ा किया उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया तेरी सृष्टि पर रात भर जगी तेरे पगले उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। अरे हम उस देश के वासी हैं हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। हंसने वाली बात नहीं है इसमें। आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। लेकिन हम पढ़ लिख कर ज्यादा क्या स्मार्ट हो जाते हैं मॉडर्न हो जाते हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप हमें घर में अच्छे नहीं लगते इसलिए पढ़ के आए विदेशों में इसलिए बड़े महाविद्यालय में पढ़ के आए कि बूढ़े माँ बाप हमें अच्छे नहीं लगते। और हम उस देश के वासी हम उस देश के वासी जानते हैं माँ बाप को कंधे पर बिठा कर सरवण ने चारों धाम करवाया था 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा तो कितने ख्वाब बुने होंगे कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया तेरी सृष्टि पर रात भर जगी तेरे पगले उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। ये दो पंक्ति जिंदगी भर याद रखना दोस्तों। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती तो बद्दुआ की माँ की कभी खाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती एक माँ पाली नहीं जाती। चर्चा हुई देश के अंदर धारा 370 क्यों हटी धारा 370 हटने का कारण क्या रहा एक बहुत बारीक व्यंग कह रहा हूं मैं आपको हाथी के माध्यम से। धारा 370 के बारे में बताया गया था कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है इसमें अकेला हिंदुस्तान छेड़खानी नहीं कर सकता पढ़ाया गया था हमें कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। लेकिन धारा 370 क्यों हटी धारा 370 हटने का कारण बाबू जी बस इतना है कि साउंड बढ़िया है और साउंड जब बढ़िया हो जाता है और कोई कहती है कि धारा 370 अगर हटी धारा 370 के साथ में छेड़खानी करी तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी क्या है तिरंगा ये 2022 का तिरंगा है और इस तिरंगे की मजबूती आपने देखी रूस और यूक्रेन का युद्ध चला
और यूक्रेन का युद्ध चल रहा, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से, अपने सैनिकों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन में तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। वो है तिरंगा। माफ करना दोस्तों, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन जो वास्तविकता है वो दिखता, वही लिखता हूं मैं। और अगर वास्तविकता को नहीं लिखेंगे ना, तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो हमें समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। गलत काम करता है तो उसका विरोध करना चाहिए। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? धारा 370 इसलिए हटी, पत्रकार भी बैठे यहां पर मोतीराम जी, धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। बहुत बारीक बात कह रहे हो उस बड़े मंत्री से। ये कारण नहीं है धारा 370 हटने का, बहुत ही कारण ये है। धारा 370 हटने का ओरिजिनल कारण बताऊं आपको क्या है? 70 साल से हम देखते आए कश्मीर के अंदर कोई तिरंगा नहीं लहरा पता था आजाद चौक में, लेकिन आज कंडीशन क्या है? तिरंगा फरफरा रहा है और ये क्यों फरफरा रहा है? क्योंकि जोर से बोलो, साउंड बढ़िया है। धारा 370 रखने का कारण ये रहा, अगर मैंने ठीक कह दिया तो बताना। गद्दारों के चल वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। हे मोदी मेरे, अफसोस नहीं जो तुझको 100-100 वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी के गुड़गा तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरजू। जग जान सकाना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत माँ से तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। अगर 500 साल के झगड़े को, 500 साल के झगड़े को अगर एक व्यक्ति ने अगर इस युग में समाप्त कर दिया हो, तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट वहां तक पहुंचनी चाहिए, इनके कानों तक। 500 साल का झगड़ा था, और वो झगड़ा ये था कि एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, जय तो बोलनी पड़ेगी। हाँ बोलनी पड़ेगी। पतन हो चला संस्कृति का जब से गीत बजने लगे लोहे। ए छोटे दादे,
इधर देख, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, बच्चों को चुप करना मुझे आता है। हाँ मधुर भैया सही कह रहा हूँ मैं। हाँ अपनी माँ भाई होती है, बच्चे से पूछा मेरे दोस्त नहीं बताया। मैं ना बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, ये तो भाई आपका। हाँ एक लड़के से पूछ लिया मैंने, अरे क्या नाम है तेरा? रामलाल। अरे रामलाल बेटे बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा, मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। गणित गणित नहीं जानते, बोले मार साहब गणित गणित सब जानते, बाप को नहीं पहचानते। मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें हो जाएगी और सारी चीज होती रहेगी। ये पावन धरती है, कितने मुगल आए कितने अंग्रेज आए, लेकिन माटी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, इसलिए मैंने किया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन चर्चा होती है देश के अंदर कि पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे हिंदू। एक फिल्म आई है बीच में, उसमें कहा है बेशरम रंग भगवा रंग बताया उन्होंने, फिर भगवा रंग के साथ में फिल्म आया। मैं एक बड़े मंच से इतना कहना चाहता हूं, आरंभ है प्रचंड तोड़ो उसके सब घमंड, बात रंग की चली तो ये फुंकार दो, आन पान शान या कि भगवा का हो मान, आज उस मूवी को दिल से ही आरंभ है प्रचंड तोड़ो उसके सब घमंड, बात रंग की चली तो एक फुंकार दो, आन पान शान या कि भगवा का हो मान, आज उस मूवी को दिल से ही फुंकार दो। क्या बात है, आओ एक रण करे मन में एक प्रण करे, आओ एक रण करे मन में एक प्रण करे, मिटा के रख दे जिसको भी घमंड है, घर कोई खता करे करे भी और ना डरे, तो उस खता का अंत ही तो दंड है। चीर का भरण जहां न मौन हो तुम वहां, चीर का भरण जहां न मौन हो तुम वहां, तो उस सभा में सिंह सीधा हार दो, आन बान तान या कि भगवा का हो मान, आज उस मूवी को दिल से ही नकार दो, आरंभ है प्रचंड तोड़ो उसके सब घमंड, बात रंग की चली तो एक हुंकार दो। क्या बात है, वास्तव में बच्चे देश का भविष्य होते हैं और आजकल अपने कवि सम्मेलन का भविष्य भी यही है ना, कि बच्चे अद्भुत हैं और वास्तव में निश्चित रूप से आपने कवि सम्मेलन रखा और कवि सम्मेलन इस मंच से गायत्री पीठ से गायत्री के मंच से गायत्री यज्ञ के मंच से आपने कवि सम्मेलन को आयोजित किया और इस कवि सम्मेलन को आपने इतने मर्यादित ढंग से चलाया और हमारे कवियों को भी साधुवाद देना चाहता हूँ, वरना आज की कंडीशन तो ऐसी के पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे ए, तो सुर कभी मीरा के दोहे फुट फुट कर रोए और इसलिए रहे छोटो कहा जा रहा है, क्या कह रहा है, जो थोड़ी बात चल रही है संस्कार और संस्कृति की और तू उड़ के जा रहा है इधर देख, संस्कार क्यों बिगड़ते मालूम आपको, संस्कार हमारे मानसिक हमारे मन के अंदर हमारे दिमाग के अंदर आधुनिकता घुसती जा रही है और ये आधुनिकता क्यों घुसती जा रही है मालूम आपको, नहीं देख सकते पूरे परिवार के साथ बैठ के आपके सीरियल नहीं देख सकते। पुराने जमाने में दादाजी आपके जमाने में संस्कार होते थे, रामायण गीता महाभारत के पाठ होते थे घर के अंदर, लेकिन आज कहां होती है रामायण गीता और महाभारत की बातें, कहां होती है संस्कारों की बातें घर के अंदर, जिस घर में चले जाओ तो ये रिश्ता क्या कहता है, साथ निभाना साथिया लगा दिया वो साथिया इसके साथ में, कभी इसके साथ में कभी इसके साथ में, पता नहीं लगे किसके साथ में, हंसो मत ये गम वाली बात है। बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं कि हमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी चीज नहीं सुनाई है। पुराने जमाने में ऐसे ऐसे गाने थे, ऐसी फिल्में थी जिसे देखकर बच्चे संस्कार लिया करते थे, संदेश लिया करते थे, लेकिन आजकल की फिल्में आजकल के गाने ऐसे हो गए, इतने फोड़ हो गए। दादाजी आपके जमाने में गाने होते थे बहारो फूल बरसा वो मेरा महबूब आया है,
एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना, लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पर तोता और किस डाल पर मैना। पुराने जमाने में गीत होते थे मोतीराम जी, क्या आज मेरी आज की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेने दुल्हा किन्ने बनाया भूसनी के गाने ऐसे हो गए कबड्डी जैसे, राजा मिया इतनी आई उसकी चट्टी उसने भारी हो जाए तेरी बल्ले बल्ले चट्टी खाते कहते बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ आप और हम हैं। आप और हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे, बोले हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे, अच्छी शिक्षा नहीं दी हमारे बच्चे कृष्ण नहीं बन रहे, हमारी शिक्षा पद्धति कमजोर है। दोस्तों आज जाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे तो आपके बच्चे राम बनेंगे। शिक्षा पद्धति गाने बजा रहे जिसका कोई अर्थ नहीं मालूम, गली गली में बज रहे ऐसे तो गाने जिनके अर्थ नहीं मालूम आपको, मनोज भैया मधुर भैया ऐसे गाने जिनके अर्थ नहीं आ रहे आपको, ये वाला पावर तोड़ा हाथर वाला पावर तोड़ा चेन दिए जो मैंने तथा सुमन सुमन तुम्हारा बादाम पावन बादाम बादाम दादा का चाह बादाम। अब पावर जी मानो पावर तोड़ा हाथर तोड़ा क्या होता है, लेकिन बजा रहे हम गाने। पुराने जमाने में ऐसे गाने थे, हाँ पुराने जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु तक गाने ये थे कह रहा हूं मैं, आपको गाने समझ में नहीं आएंगे। वो हमारे यहाँ मालूम है आदमी कहना कुछ चाहता है सामने वाला समझ कुछ जाता है तो फिर बात का अर्थ और अनर्थ दोनों बिगड़ जाते हैं, ना तो आपको समझ में आया ना मुझे समझ में आया। जब दोनों को समझ में नहीं आया तो मतलब क्या है उससे। वो हमारे यहाँ बोर्डिंग मशीन वाला आ गए तो बड़े वाला भैया बोला कि अपने को एक होल करवा लो, मैंने करवा लो तो होल करवाने के लिए मशीन आई। अब जैसे होल करवाने के लिए मशीन आई, एक राड गई दो राड गई 500 फीट होल के हो गया, पानी बिल्कुल नहीं निकला। तो मैंने बड़े वाले भैया से बोला कि मैं एक काम करो जाके मशीन बंद कर दो। तो बड़े वाले भैया उसके पास में गए, जो होता है वो फूम शाम होता रहता है उसके पास में चला गया, उसने बोला कि वो मार साहब कह रहे मशीन बंद कर दो मशीन बंद कर दो। तो बड़े भैया से बोला नान ले गए बिंदु डोको माली बोले उसको समझ में नहीं आया, वो तमिल बोले उनको समझ में नहीं आया। अब दोनों उलझे, हम संस्कृति और संस्कारों को नहीं बचाने पा रहे कि हम वास्तविकता इस मंचों पर गरिमा मंचों पे जो सुनाया जा रहा है वो आत्मसात नहीं कर पा रहे। इन्होंने कह दिया हमने सुन लिया लेकिन हमारे जीवन में उसको हमने आत्मसात नहीं किया, और जब तक दवाई असर नहीं करती जब तक उसको हम सही नहीं डालेंगे मन के अंदर दे रहे हम बात को पहुँचा नहीं रहे गाने बजा रहे। पुराने जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु तक गा लेते थे, अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ इससे पहले बेचराया करता था, आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी ये वाला गाना तिरछी टोपी वाले बाबू भोले वाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है, तो मेरी भेज करती आए आए थे गाने ऐसे पुराने जमाने में जो पशु तक गा लेते थे। लेकिन आजकल के बाबू जी गाने छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा की माफ करने गलती मारे से हो गई, मेरी गलती धार से कैसे हो गई। गलती होने का कारण क्या अल्लाह जी, गलती होने का कारण क्या है, गलती होने का कारण बस इतना है कि हमने हमने संस्कारों को निकाल के फेंक दिया, हमारी संस्कृति को अलग फेंक दिया, हम विदेशी संस्कृति को आत्मसात करते जा रहे। छोटो गलती क्यों हुई, साउंड बढ़िया है लेकिन फिर क्यों हुई, चार पंक्ति से बड़े मंच से सुनो, चार पंक्तियां से बड़े मंच से कहना चाहता हूं कि छत में सोया गहलोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी,
दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी। और जब आहार विहार लज्जार कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी। और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी, छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी। संस्कार को भूल देते हैं, विदेशी संस्कृति को ला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं कि आप ऐसे उपक्रम करते हो ताकि इन बच्चों को लगे कि क्या होता है ओम भूर्भुवः स्वः इनको पता चले कि ये मंत्रों का क्या क्या पावर होता है, मंत्रों की क्या ताकत होती है। अब तो विदेशी लोग भी हमारी संस्कृति का अनुसरण करने लगे, योग करने लगे वो लोग, वो है भारतीय संस्कृति। लेकिन हम टेंशन में, और टेंशन इसलिए को कहता है कि मेरी गर्दन को झूल कर मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। अब एक बेवकूफ कहता है कि आप पूरा का कश्मीर लेंगे, पूरा का पूरा कश्मीर भाई साहब दे देंगे क्या? हमारे भाई साहब का नाम क्या मेरा व्यास जी, पूरा कश्मीर नहीं देंगे। हरीश भैया पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। जिस दिन पूरा कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर ले लेंगे और फिर उस प्रधानमंत्री पाकिस्तान के को यहां बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि आप तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नील देंगे, तू हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे। अगर कवि सम्मेलन को पूर्ण ऊंचाई पर आकर पहुंचाना है तो देश के बड़े कवि यहाँ पर बैठे उन्हें बताना कि गांव के अंदर भी कविता सुनी जाती है। यह आरोप लगाया जाता है कि गाँव के अंदर कविता भी सुनी जाती है, केवल हाथ से सुना जाता है। लेकिन आज आपको मैं जमानत दिलवाना चाहता हूँ कि यह कविता भी सुनी जाती है। ए छोटू, मैं पंक्तियां छोड़ रहा हूँ, उन पंक्तियों को पूरा कर देने का जिम्मा तुमको छोड़ता हूँ। कि माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तू हाथ बड़ा अपना हाथ बड़ा शरीर देंगे, हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के, टांग पे टांग धर के। अरे खाके साउंड पर क्यों नीर देंगे यार, ऐसी ये साउंड पर लड़के बोलो, टांग पे टांग करके चीर देंगे, टांग पे टांग करके ये। और बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, सुना पाए पुष्ट रावण चीर जैसे रखी देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना, वो गांधी से चीर देंगे, एक पास तेरी इमारत को तिनके की तरह गिन लेंगे, और तो क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। मेरे नौजवान साथियों समर्थन अब करना मेरी बात का, क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था ना हैंडपंप, ऐसा उखाड़ देंगे। एक जट गया था सकीना के लिए हैंडपंप उखाड़ के आ गया। अगर 125 करोड़ भारत में जाएगा तो मालूम क्या क्या उखाड़ लाएंगे। तब कहना चाहता हूँ कि दुनिया से तेरे नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हैंडपंप ऐसा उखाड़ देंगे, भारत माँ की सौगंध इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे, समझा रहे तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद की जात जी, इन्होंने कहा कि टांग पे टांग धर के चीर देंगे, वरना यह कविता रात की 1:30 बजे लिखी और पत्नी को सुनाई। पत्नी से कहा कि कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे, तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे लेकिन धरोगे कौन सी। तो टेंशन बहुत है, कांदा ने कर दिया आंदा, भाव का हो गया कांदा, ट्रैक्टर तो ले आया लेकिन ट्राली खाई थी कांदा। तो टेंशन बहुत है, और इस टेंशन के दौर में जैसा कि मेरे भाई ने बताया था कि आप एक कविता है आपकी, वो जरूर सुनाए कि पिछले 10-15 साल से ही ना आया नहीं यहाँ पे, तो कविता कुछ भी नहीं है, एक केवल कल्पना है, और कल्पना मात्र बस इतनी है जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप भी कल्पना करना कि अगर आदमी को पूंछ होती तो क्या होता।
कल्पना करो, मेरी पत्नी ने कहा कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता, मन की आदमी को अगर पूछ होती तो कसो मजो आतो, मन की बाकी पूछ को मन परगाम नहीं जाता कहता मांगू चली जाते तो परगाम चलिए बोल जाएगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा बांधी पूछ को मना परगाम नहीं जाते कभी कभी पहिया गाड़ी का पूछ पे चढ़ी जाता पूछ का मारे लोग दरवाजा मोड़ी जाता पूछने का बाल कभी कभी पहना उनके बढ़ी जाता यही बात पर अधूरा खसको है क्या मैंने पूछड़ी का बाल खसका भेज पूछड़ी का बाल पामना उनके बढ़ी जाता पूछ पकड़े से पामना गच्ची पे चढ़ी जाता बेबा मैंने पूछड़ी लट गई थी कहा आओ कहीं से चल जाओ पूछ पकड़े से पामना गच्ची पे चढ़ी जाता और पूछ दबोगे दबोगे नुक्ता में खड़ी खाता मांगी लाल का मजा आई गया मन तो पूछड़ी दबोगी ने चढ़ी खाई है आदमी चम्मच चम्मच नहीं रहती पूछड़ी दबोगे खाता अच्छा परगाम जाता तो लोग पूछड़ी पे तेल लगाता गंगाराम पर थोड़ी पूछड़ी पे ढंग से तेल लगा के यार पिछली बार तो तुम्हारी पूछड़ी पे तो गाती है गाते हैं आदमी अगर पूछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते फिल्मों के नाम होते हम पूछ दे चुके सर हम आपकी पूछ में रहते तेरी पूछड़ी की कसम पूछ वाले दुल्हन ले जाएंगे आदमी अगर पूछ होती तो फिल्मों के गाने कैसे होते देखी जो पूछ तेरी मैं दीवानी हो गई पूछ पे तेरी मिट्टी मिट्टी पे तेरी पूछ ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरी पूछ गाना होता अच्छा बहन क्या करती बहन भाई की पूछ पे राखी बांध भाई की पूछ पे राखी बांध देते गीत गाती के भैया मोरे पुछड़ी को कभी नहीं कटाना भैया मोरे अगर आदमी को पूछ होती तो हमारे गांव की महिलाएं शादी विवाह में गीत कैसे गाती बाजी बाजा शादी विवाह में गीत कैसे गाती बूढ़ी महिलाएं तो मेरी पूछड़ी देखी दे जाने के लाके तब तो पूछड़ी में सुर मोले यही प्रश्न भरे दरबार में पूछ लिया यही प्रश्न भरे दरबार में पूछ लिया राम जी से लक्ष्मण जी ने कि भैया मुझे यह बताइए कि आदमी को अगर पूछ होती तो क्या होता पूरा दरबार हंसने लगा ठाके लगाने लगा राम जी की आंखों में आंसू आ गए जैसे राम जी की आंखों में आंसू आए लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगते हुए कहा कि भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूछ होती तो क्या वाक्य होता लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता और लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता हमारा क्या होता हमारा क्या इसलिए ये मत पूछो कि पूछ होते तो क्या होता ये पूछो कि पूछ वाला नहीं होता तो क्या होता आइए हम कवि सम्मेलन को सच्चाई पर ले जाएं कवि सम्मेलन का अंत स्वरूप देश के बड़े कवि जो आस्था से हमारे बीच देश के बड़े संचालक हैं उनके मुख्य समापन की कुछ कंपन की देश के बड़े कवि उन्होंने बहुत कोताही बरती अपने संचालन में लेकिन मैं चाहता हूं